हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अभी मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में आज क्या बनाऊँगी? तो आज बनाऊँगी मैं खाने में बैंगन का भरता और रोटी। और बैंगन के भरते में क्या क्या मिक्स करूँगी? मैं आलू मिक्स करूँगी और टमाटर। सब चीज़ को मतलब भूंज के, गैस के ऊपर भूंजूँगी मैं आग के ऊपर। और उसके बाद फिर बैंगन का भरता बनाऊँगी और मोटी मोटी रोटी बनाऊँगी थोड़ी सी। क्योंकि मोटी रोटी किस लिए मैं बनाऊँगी मैं ये भी बता देती हूँ। और एक दिन मम्मी ने मुझे बना के खिलाया था हल्की हल्की मोटी सी रोटी, और उसे मतलब करारे करके सेके थे हल्के हल्के जला के आग पे, और उसके बाद मम्मी ने घी लगाए थे उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था खाने में। तो मैंने सोचा आज मैं बैंगन के भरते के साथ वैसी रोटी बनाऊंगी और मैं देखती हूँ कि मुझसे वो रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। वैसे मैं कोशिश तो बहुत करूँगी, बट मम्मी जैसे नहीं बन पाएगी मुझे पता है। और अभी मैं चल रही हूँ, मम्मी ने आज गेहूँ धो के डाले हुए थे, तो मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ मैं पहले जाके उसको मतलब देख लूँ छत पे कि मतलब कहीं बारिश तो ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ी सी देख लेती हूँ। उसके ऊपर हाथ भी मैं फेर दूँगी। और मैंने चुन्नी ले ली है और अब मैं चल रही हूँ ऊपर, मैं देख लेती हूँ उसको। और आज मैंने ना हेयर वॉश किया हुआ है तो इसीलिए बाल मेरे खुले हैं, आप देख सकते हो। और मैंने बाल को हल्के हल्के सुखा लिए थे हेयर, उससे बाल सुखाने वाले थे हेयर ड्रायर से। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। मौसम देख रहे हो, मौसम में मतलब धूप नहीं है, धूप चली गई है, बट मेरे गेहूँ देखती हूँ। देखो मेरे गेहूँ, इसके ऊपर मैं हाथ फेर दूंगी। सो गाइस, ये देखो मेरे गेहूँ मम्मी ने धो के और खाट पे डाल दिए थे। और इधर ना टोकरी में मिर्च भी रखे हुए हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस पे गेहूँ पे हाथ फेरने के लिए, क्योंकि ये हल्का हल्का ना गीला था, तो मैं मम्मी ने वो बोला था कि इस पे ना हाथ फेर देना, तो इस पे हाथ फेरने से जल्दी से सूख जाएगा क्योंकि नीचे गीला रहता है और ऊपर ऊपर ही धूप लग पाता है, इसीलिए मैंने इस पे हाथ फेर दिया है। सो गाइस, मैं आ गई गेहूँ पे हाथ फेर के। और मैंने आते ही बाल को बांध लिए क्योंकि जूड़ा बना लिया है मैंने, क्योंकि मुझे जाना है किचन में और मैं किचन में बाल को खुले नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल झड़ते हैं तो गिरने का डर रहता है खाने में, इसलिए मैं बाल को बांध के रखती हूँ। वैसे हल्का हल्का गीला है और चाहे गीला हो चाहे सूख गया हो, बट मैं बाल को हमेशा बांध के ही किचन में जाती हूँ, वैसे भी बाल मैं खुला नहीं रखती हूँ। और गेहूँ मैंने आज इसलिए धो लिए थे, मम्मी ने धो दिए थे क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला था और काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन ऐसे ही मतलब बादल, कभी धूप कभी बादल, तो ऐसे ही मतलब टाले जा रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, कल धूप निकल जाएगी, कल धूप निकल जाएगी तो धो लेंगे, बट ऐसा नहीं था, 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा था। और मेरा मतलब आटा भी ख़त्म होने वाला है तो मैंने मम्मी से कहा चलो धो ही दो और जो होगा देखा जाएगा, तो धो दिए। वैसे तो आपने देखा ही, मतलब मौसम इतना ख़राब हो रहा है, मतलब बादल बादल तो हैं बट देखते हैं क्या होता है, गीले होंगे तो हो जाएंगे, चाहे सूखेंगे तो सूख जाएंगे, और बारिश होगी तो मैं उठा लूँगी उसको। और चलो मैं चलती हूँ नीचे और मैं आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, बैंगन का भरता बनाऊँगी और रोटी। तो चलो आप भी देखो, और आपको देख के मुझे पता है आपके मुँह में ज़रूर पानी आएगा। तो चलो मिलते हैं आपको नीचे, तक ले बाय। सो गाइस, ये रहे मेरे बैगन, और ये इतने बड़े बड़े बैगन हैं ये जो बड़े वाले मिलते हैं। और यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ। और इस बैगन को पहले मैं बीच में से 4 टुकड़े काट लूँगी, और जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही काटना आप अगर बनाओगे तो। और आप देख सकते हैं इसमें बीज बहुत कम है, और जो मैंने लहसुन के कलियों को लिया था ना मतलब छील के रखा हुआ था, और बैंगन में इसी तरीके से चाकू से साइड साइड से छेद कर दूंगी, और इसी में मैं लहसुन को भी डाल दूंगी। और लहसुन को डालने से अगर ये दोनों पक जाएंगे ना तो फिर ये लहसुन का मतलब टेस्ट अलग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी में जब लहसुन पक जाते हैं तो खाने में भी काफ़ी अच्छी टेस्टी आती है, और इसमें मतलब अच्छे से कुचल भी जाता है और ये मिक्स हो जाता है प्रॉपर। और आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इसमें
छेद कर करके सारे को मैंने डाल दिए हैं। और इसको अब मैं करूँगी क्या, इसको मैं गैस पे भूंज लूँगी, इसी तरीके से मैं रख दूँगी। देख सकते हो मैंने सब इसमें डाल दिया। और मैंने लिया यहाँ पे आलू, आलू को भी बॉईल करना है मुझे। और यहाँ पे आग तो है नहीं, इसलिए मैं पहले इसमें पानी में बॉईल करूँगी। और मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है बैंगन को भी और आलू को भी। तो बैंगन को बस मैं इसी आग पे सेकूँगी, क्योंकि मतलब ये ऊपरे का आग है नहीं मेरे पास, तो मैं गैस पे ही मतलब भूनूंगी। और इसी तरीके से मैं पलटा पलटा के भूनती रहूँगी इसको। और बस ये मेरा भून चुका है। और मैं यहाँ पे टमाटर को भी भूंज लूँगी, आप देख सकते हो टमाटर को भी मैं गैस पे ही भूनूंगी और इसको ही भूनूंगी। और उसके बाद जब मेरे आलू जब वो मतलब बॉईल हो जाएंगे, तो मैं आलू को भी मतलब इस पर भूनूंगी, क्योंकि इसमें जो पानी रह जाता है ना, मतलब आलू पानी में बॉईल करने से इस पर मैं अगर इस। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बैगन भी भुन चुके हैं, दोनों दो बैगन भूंजे थे मैंने, और दोनों बैगन मेरे भुन चुके हैं। और मैंने निकाल लिया एक थाली में। और जब तक मेरे यहाँ पे टमाटर भी मतलब ये भूंज रही हूँ गैस पे, मतलब पका रही हूँ। और एक चाकू के दम मेरा देख सकते हो यहाँ पे टमाटर भी मतलब भुन चुके थे, पक चुके थे आलू, सॉरी क्या बोल रही हूँ, टमाटर। उसके बाद फिर ये मैं आलू को, जब मेरे आलू बॉईल हो गए थे, तो मैं आग पे अब दोबारा सेकूँगी, ये गैस की आग पे आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, जो पानी था ना आलू में, ये सारे पानी जल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट आएगी, क्योंकि आग है नहीं। तो मैं इसी आग पे इसको भूनूंगी। और मैंने पानी में बॉईल किया था, तो इसमें पानी रह जाता है। और इसको मैं इसी पे भूंज के इसका सारा पानी इसको मैं जला लूँगी आलू का। अगर आपके पास आग की व्यवस्था ना हो, तो आप ये मतलब ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा सारा आलू और बैंगन और मेरे टमाटर भी भुन चुके थे। और ये पे लहसुन की कलियाँ मैंने निकाल ली थी, आप देख सकते हो पक गए। और मैंने लिया यहाँ पे लिया है प्याज और मिर्च लिए हैं मैंने। और मैं आलू को छील लूँगी, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से भुंजे हुए थे और अच्छे लगते हैं। आग के कोई भी चीज़ अगर भूंज के खाते हो ना आप, तो बहुत अच्छा लगता है आग पे पकाने के बाद। और उसके बाद मैं ये सारे छील लूँगी, आलू भी, बैंगन भी और टमाटर भी। और चलो भूंज के फिर उसके बाद फिर मैं इसकी बनाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको भरता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और तैयारी क्या बना ही रही हूँ बस। और यहाँ पे जो बैंगन की डंडी है ना, डंडी को मैं निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। और उसके बाद ये जो बैंगन है मेरे, बैंगन को मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी और आलू को भी कर लूँगी। आलू मैंने चार आलू लिए हुए हैं इसको, और आलू तो मैंने सब्जी बनाई हुई थी और आलू के। और इसके बाद फिर ये आलू को भी और ये टमाटर को भी, सब तीनों चीज़ को मैं अच्छी तरीके से मैश कर के और इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें जो मतलब प्याज मैंने कम ही काटे हैं, क्योंकि मुझे कच्चे प्याज इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं और अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ी सी प्याज से एलर्जी है, कच्चे प्याज से, तो मैंने कम ही लिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये जो लहसुन की कलियाँ थी, लहसुन की कलियों को भी मैंने मतलब तो मैश कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्च डाल दिया है इसमें, हरी मिर्च और हरी प्याज, सॉरी प्याज डाल दिए, कच्चे प्याज। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नमक और थोड़ी सी मैं लूँगी मिर्च। और उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो, मैं खोल रही हूँ डब्बा, इसमें है चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है चाट मसाला इसमें। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे चाट मसाला यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मेरा ये भरता तैयार है बन के, आप देख सकते हो। और बैकग्राउंड को इग्नोर करना, गाय वाय है इधर इसीलिए। और चलो अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और बैंगन का भरता देख सकते हो कितने यम्मी यम्मी बने हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैं मोटी रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे से उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे जितने अच्छे तरीके से मम्मी बनाई थी, बट मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की हुई है। और मैं रोटी भी बना लूँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है मुझे, बस मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी अभी कहीं जा रही थी, तो मम्मी ने बोला तुम खा लो,
तो बस मैं अपने लिए दो रोटी सेकूँगी। और पहले क्या करूँगी, मैं रोटी को आग पे भून मतलब पकाऊँगी और उसके बाद फिर इस पे तवा पे रख दूँगी थोड़ी सी करारी होने के लिए। मतलब मोटी तो हुई नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे से मोटी रोटी बनती ही नहीं है, और किससे बन जाती हैं बट मेरे से बनती ही नहीं। पतली से पतली बन जाएंगी बट मोटी रोटी तो मेरे से कभी बनेंगी ही नहीं। और मैंने कोशिश की थी बनाने की। और उसके बाद पहले मैं इसको तवा पे रख के हल्का हल्का करारे कर लूँगी और उसके बाद फिर आग में रख के और थोड़ी सी मैं इसको करारे करूँगी और हल्के हल्के जलाऊँगी, क्योंकि अच्छे लगते हैं थोड़ी सी जली जली सी रोटी। आग की रोटी वैसे भी बहुत टेस्टी होती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसमें घी लगा दूँगी, और मैंने घी कटोरी में निकाल के रखा हुआ था, और मैंने ये 2 दिन पहले ही घी बनाया हुआ था घर में, ताज़ी घी बनाई। तो वैसे मेरे पास घी है बट मैंने ये घर में घी बनाया हुआ था। और आप देख सकते हो इसमें मैं थोड़ी सी घी लगा दूँगी गरम गरम, और गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, और गरम रोटी पे ही घी लगाना चाहिए। और बस इसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी रोटी भी मैं सेम इसी तरीके से इसको पका लूँगी। और काफ़ी अच्छी बनी थी बैंगन का भरता, मैंने मतलब इस तरीके से फर्स्ट बार बनाया था बट बहुत अच्छी लगी थी खाने में। और अपना अपना मतलब तरीका होता है बैंगन बनाने का, बैंगन का भरता बनाने का। मेरा तरीका कुछ अलग है, आपका कुछ अलग हो सकता है। हर किसी का टेस्ट अलग अलग है और मेरा भी टेस्ट कुछ अलग ही है। और बस इसको मेरी दूसरी रोटी बन चुकी है, तो बस इसको ही मैंने आग पे सेक लिया है। और इसमें भी मैं दूसरी में भी घी लगा दूँगी, और मैं यहाँ पे घी भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ बट आज मेरा मन कर गया कि इसमें मुझे घी लगाना चाहिए। घी भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है, और मैंने सब्जी चावल भी बनाए हुए थे बट मैंने उसको बाद में खाए हुए थे। और आप देख लो और आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। पता है कि मुझे कि आप लोग को भी खाने का मन कर रहा होगा, क्योंकि बैंगन का भरता हर किसी का फेवरेट होता है, ये लड़कियों का खास करके बहुत है। और उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मेरा ऊपर का काम तो रह ही गया था, तो मैं यहाँ पे ऊपर का झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और ये मेरे रूम का है मतलब व्यू, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लूँगी उसके बाद पोछा लगाऊंगी। क्यों, और मैंने सोचा मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोग के साथ शेयर करते चलूं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप लिया और तो ज़्यादा नहीं ली थी। तो बस इसी तरीके से मेरे रूम में वैसे भी ज़्यादा कुछ मैशी होता नहीं है, तो जल्दी फटाफट काम हो जाता है मेरा ऊपर का। तो बस मेरा यहाँ पर काम हो चुका है। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे शाम के 6:30 और दोपहर में मैं काम वगैरह मैंने करके और सो गई थी मैं। और काम क्या किया था मैंने, खाना वगैरह बनाया, उसके बाद खाना पीना खा के उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, कपड़े धोए, जो मतलब काम होता है डेली का वही मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे ये सब काम करते करते मुझे 1:30 बज गए थे, क्योंकि घर में काम तो होता है ये सबको पता है, और लेट भी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं सो गई थी। और सोने के बाद डायरेक्ट मैं उठी 5 बजे, और 5 बजे उठी उसके बाद फिर जो शाम का काम होता है फिर मैंने वो निपटाया फटाफट से। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था, तो मैं अब वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरे वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।